दोस्तों आज हम SBI म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना जानेंगे। दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड के मोबाइल एप्लीकेशन इन्वेस्ट टैब के द्वारा आप खुद से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में इन्वेस्ट टैब एप्लीकेशन ओपन करना है आपको और इसको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना फोलियो नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरे फोलियो नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर एडवाइजर सेलेक्ट कर लेना है आपका, जो आपका एडवाइजर है उसकी डिटेल डालना है, या आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। नीचे आपको फंड नेम सेलेक्ट करना है। फंड नेम में यहाँ पर बहुत सारे फंड आ जाएंगे, जिसमें से आपको जो अच्छा फंड लगे या जो आपके एडवाइजर ने आपको एडवाइज किया है वह फंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अब दो ऑप्शन आएंगे, एक ग्रोथ का और एक IDCW का। मैं यहाँ पर ग्रोथ सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम वाला सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन, और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है अमाउंट। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपको मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 मोड दिए गए हैं। मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट करने वाला हूँ। आप इनमें से कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, RTGS, वन टाइम एडिट। मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, मार्क लगाएंगे यहाँ पर और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा, आप यहाँ पर चेक कर लेंगे आपने सही अकाउंट सेलेक्ट किया है और फंड नेम और आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देख लेंगे। उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आप पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अपना यहाँ पर UPI ID डालेंगे। UPI ID आपके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाई गई ID है, उस तरीके से आप अपनी UPI ID डालेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना UPI एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। आपने फ़ोन पे की UPI डाली है तो आप फ़ोन पे ओपन करना है। आपने पेटीएम की डाली है तो पेटीएम या गूगल पे, जो भी आप एप्लीकेशन की ID डाली है वो यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं फ़ोन पे ओपन करता हूँ, मैंने फ़ोन पे ओपन कर लिया है। अब आपको पास रिक्वेस्ट आ जाएगी पेमेंट करने के लिए, रिक्वेस्ट आ गई है। यहाँ मैंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहा था तो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट आ गई है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर मैं पे पर क्लिक कर दूंगा और इसके यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, किस अकाउंट से आप पेमेंट करना है। उसके बाद आप सेंड पर क्लिक करेंगे और अपना UPI पासवर्ड डाल देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन ID मिल जाएगी। अब आपको वापस अपना मोबाइल एप्लीकेशन पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका सक्सेसफुल दिखाई देगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो लमसम सक्सेसफुली लमसम इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कन्फर्म हो चुका है, यहाँ पर देख लेंगे। अब आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में 2 से 3 दिन बाद आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में शो होने लगेगा। दोस्तों इस तरीके से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।